नमस्कार स्वागत है आपका हमारे आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्या है महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना के बारे में तो आइए हम सब विस्तार से जानते हैं हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने अपने राज्यों में एक महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है जो कि यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है इसे राज्य के वन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा इस परियोजना का शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंदर समुद्री जीव स्थानीय फसलों के बीज और पशु विविधता जैसे अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण प्रदान करना है अब हम लोग जान लेते हैं अनुवांशिक विविधता क्या होती है और महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना कितने विषयों पर काम करेगी अनुवांशिक विविधता यह एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना मुख्य रूप से सात विषयों पर काम करेगा आइए अब हम लोग देखते हैं सात विषय कौन कौन है पहला है समुद्री जैव विविधता दूसरा है स्थानीय फसलों के बीज तीसरा है देसी मवेशियों की नस्लें चौथा है मीठे पानी की जैव विविधता पांचवा है घास के मैदान झाड़ झंखाड़ और पशु चराने वाली भूमि जैव विविधता छठा है वन अधिकार के तहत क्षेत्रों के लिए संरक्षण और प्रबंधन योजना सातवां है वन क्षेत्रों का कायाकल्प इस पूरी परियोजना के तहत अगले पांच वर्षों में इन सात फोकस क्षेत्रों पर एक करोड़ की राशि खर्च की जाएगी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में धन्यवाद